हेलो बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बच्चों राजस्थान बोर्ड के नाइन्थ और इलेवंथ के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी एग्जाम है वो तेरह अप्रैल से सत्ताईस अप्रैल तक होने वाली है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपकी एग्जाम का टाइम टेबल है वो क्या रहने वाला है एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली क्योंकि राजस्थान बोर्ड को लेकर हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी इसमें देखो जो न्यूज है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं कक्षा नौवीं और ग्यारहवीं के लिए वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 13 अप्रैल से 27 अप्रैल तक किया जाएगा श्री कल्याण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के, के प्रधानाचार्य पवन कुमार शर्मा ने बताया कि परीक्षाएं दो पारी में सात पैंतालीस से ग्यारह बजे तक और दूसरी पारी में साढ़े ग्यारह से लेकर दो पैंतालीस तक होगी चौदह अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती और बाईस अप्रैल को परशुराम जयंती की छुट्टी रहने वाली है इसमें देखो आपका जो टाइम टेबल है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं तो आपका जो तेरह अप्रैल को जो पेपर होने वाला है यहाँ पे आपको नाइन्थ का टाइम टेबल दे रखा है इलेवंथ का दे रखा है तो नाइन्थ का जो पेपर है वो सेकंड पारी के अंदर मतलब अंग्रेजी का होने वाला है और इलेवंथ का सेकंड पारी में अंग्रेजी का होने वाला है इसके बाद देखो पंद्रह अप्रैल को आपका सेकंड पारी में नाइन्थ का है वो हिंदी का होगा और इलेवंथ का भी हिंदी अनिवार्य का होने वाला है इसके बाद देखो सोलह तारीख को आपका संडे का अवकाश रहेगा सत्रह तारीख को सेकेंड पारी के अंदर आपका साइंस का पेपर है नाइन्थ का और इलेवंथ का राजनीतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान लेखा शास्त्र कृषि विज्ञान का होने वाला है उसके बाद देखो अठारह तारीख को नाइन्थ का संस्कृत और उर्दू का पेपर ये पहली पारी में ध्यान रखना ऊपर वाले पेपर है वो सेकेंड पारी में होने वाले हैं अठारह तारीख को आपका फर्स्ट पारी में होने वाला है इलेवंथ का भी फर्स्ट पारी में होने वाला है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत फर्स्ट और सेकंड पारी में होगा अंग्रेजी साहित्य का इंग्लिश लिटरेचर का उसके बाद देखो उन्नीस तारीख को जो फर्स्ट पारी में पा, पेपर नहीं है और सेकंड पारी में जो नाइन्थ के स्टूडेंट हैं उनका है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन है शौर्य परम्परा और ट्वेल्थ इलेवंथ का है वो चित्रकला का पेपर होने वाला है उसके बाद देखो बीस तारीख को है फर्स्ट पारी में नाइन्थ का सामाजिक विज्ञान का है और इलेवंथ का कृषि विज्ञान हिंदी साहित्य उर्दू साहित्य व्यवसाय अध्ययन और ग्यारह को सेकेंड ग्यारहवीं का सेकेंड पारी के अंदर है वो गृह विज्ञान का है होम साइंस का उसके बाद देखो इक्कीस तारीख को फर्स्ट पारी में नाइन्थ और इलेवेंथ का नहीं है सेकंड पारी में नाइन्थ का है वो शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का है और उसके बाद इलेवंथ का वो संस्कृत साहित्य का बाईस तारीख को छुट्टी है आपकी ईद उल फितर और परशुराम जयंती की और तेईस तारीख को आपका रविवार है तो उसके बाद देखो चौबीस को नाइन्थ का पेपर है वो फर्स्ट पारी में गणित का होने वाला है और उसके बाद जो इलेवंथ के स्टूडेंट है उनका भी फर्स्ट पारी में गणित का होने वाला है और पच्चीस को आपका सूचना प्रौद्योगिकी का होने वाला है फर्स्ट पारी में नाइन्थ का और एलेवंथ का भूगोल का और फर्स्ट पारी में और सेकंड पारी में जीवन कौशल का है उसके बाद नाइन्थ की एग्जाम यहाँ पे फिनिश हो चुकी है और इलेवंथ के हैं जो दो पेपर बचे हुए हैं इसमें देखो आप छब्बीस तारीख को जीव विज्ञान कृषि विज्ञान इतिहास का और सेकंड पारी में सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रोग्रामिंग का और सत्ताईस तारीख को फर्स्ट पारी में अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है तो इस तरह से आपकी एग्ज़ाम का टाइम टेबल रहने वाला है इसमें आपको ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो टाइम टेबल है वो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट का है इसमें देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो टाइम टेबल है वो अलग रहने वाला है तो जिस तरह से आपका अभी तक दस जिलों का टाइम टेबल है वो जारी कर दिया है बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनका टाइम टेबल अभी जारी नहीं किया है तो जल्द ही आपका जो टाइम टेबल है वो जारी कर दिया जाएगा आपको ये स्कूल में आपको टाइम टेबल है वो नोट करवा दिया जाएगा लेकिन आपकी जो एग्जाम की डेट है वो तेरह अप्रैल से सत्ताईस अप्रैल के बीच ही रहने वाली है कोई पेपर एक दो आगे पीछे हो सकते हैं कौन से सब्जेक्ट का कब होगा ये बाद में डिसाइड होगा जब आपका टाइम टेबल आ जाएगा तो इस तरह की अपडेट थी जिसके बारे में हमने बात की है मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद